बहुत समय पहले की बात है, रवि और उसकी पत्नी कोमल एक छोटे से घर में रहते थे। रवि एक ऑफिस में काम करता था और कोमल घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। रवि और कोमल के दो बच्चे थे, बेटे का नाम नमन और बेटी का नाम नैना। रवि और कोमल हमेशा नमन को ही प्यार करते थे और नैना पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रवि और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वैसे तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर मैं नमन के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरी पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है। वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ तो नमन का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओहो, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? नैना बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद से नमन नए स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी नैना उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग, नई बोतल, तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची कितना मजा आता होगा ना स्कूल में, मैडम कितना अच्छा अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया, पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कितनी देर हो गई नमन, चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। नमन स्कूल के लिए निकल जाता है। नैना पूरा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल न जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात नैना को नींद नहीं आ रही होती तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। नैना खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है। अरे ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नैना और ध्यान से लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो इस बार फिर से उसे आवाज आती है। चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रात में कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? नैना इधर उधर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाजें भी आ रही होती हैं। अच्छा ये आवाजें यहाँ से आ रही हैं, पर इतनी रात में, मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना बिना डरे चुपचाप घर के बाहर निकल पड़ती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। नैना बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है, चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलकर देख ही लेती हो। नैना ऊपर जाती है तो वहाँ एक मैडम हाथ में फाइल लेकर घूम रही होती है। चलो जल्दी जाओ क्लास में वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो, बातें बाद में करना, चलो भी क्लास में जाओ। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल में आई है और सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उसी स्कूल की बच्ची है। नैना क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। नैना जोर से चिल्लाती है, आ बचाओ। शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? चलो अब अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसकी डर के मारे वहाँ से भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। अब क्या बाहर ही खड़े रहना है, बोला ना अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। जी मैडम। नैना चुपचाप एक खाली सीट देखकर वहाँ बैठ जाती है। नैना की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई नई किताबें, नई बोतल और बहुत सी चीज होती है। वाह ये तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है, चलो अब तुम भी अपनी कॉपी किताब निकालो।
नैना अपने बैग से कॉपी और किताब निकालती है। बाकी भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार और अच्छे से पढ़ा रही होती है। नैना अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसका डर कुछ ही देर में अपने आप खत्म हो जाता है। वो पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और उसे बड़ा ही मजा आता है। क्लास होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको टॉफी भी देती है। थैंक यू मैडम। अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है? फिर तुम्हें रोज टॉफी मिलेगी। ठीक है मैडम। पर एक बात याद रखना। क्या बात मैडम? यही कि किसी को भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना, वरना कोई तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नैना के स्कूल की छुट्टी रात के 3:45 पर हो जाती है और फिर वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाती है। नैना अगले दिन उठती है पर किसी को भी रात की बात के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके स्कूल के बारे में जानने के बाद उसके माँ बाप उसे दोबारा वहाँ नहीं जाने देंगे। नैना इसी डर से रात के स्कूल वाली बात किसी को भी नहीं बताती। नैना को तो बस पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे आधी रात में एक भूतिया स्कूल में जाना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले सब भूत चुड़ैल हैं। नैना रात के 12 का इंतजार करती है। जैसे ही 12 हैं, वो दोबारा उसी भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना सब सीखने को मिल रहा है। सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। पर तुम सब भूत कैसे बन गए? ये टीचर भी? एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से बच्चे और टीचर उसमें जलकर मर गए। इस स्कूल का मालिक भी उसी में जलकर मर गया। उस दिन से ये स्कूल बंद है, पर हम लोग आज भी अपनी मैडम से पढ़ते हैं। नैना रोज रात को उस स्कूल में जाती और सभी भूतिया बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करती। कभी कोई चुड़ैल उन्हें पढ़ाती तो कभी कोई चुड़ैल, पर सभी चुड़ैल टीचर बड़ी ही अच्छी होती हैं और वो सब बच्चों को खूब प्यार करती हैं। नैना को उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। कभी किसी को नैना के स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। नैना और नमन काफी बड़े हो जाते हैं। नमन इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है और नैना बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन कोमल और रवि नमन पर चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल फेल फेल, अब तो हद हो गई है। मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा सकूं, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं तो कुछ एहसान नहीं किया है, और मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। अब मैं फेल हो गया तो हो गया, इसमें इतना क्या गुस्सा हो रहे हो? हे भगवान, इस लड़के को तो जरा भी शर्म नहीं रही। नमन पढ़ने में कभी ध्यान नहीं देता और ऊपर से वो दिन पर दिन बहुत ही बदतमीज होता जा रहा था। धीरे धीरे उसने घर से पैसे तक चुराने शुरू कर दिए थे। एक दिन जब रवि और उसका परिवार रवि के बॉस के घर एक पार्टी में जाते हैं तो नमन वहाँ भी चोरी करने लगता है और नमन का बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये वही है ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था, देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। रवि, तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर, मेरी क्या गलती है? मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, अंडरस्टूड? नमन की हरकत की वजह से रवि की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता। नैना को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात रवि और कोमल को पता लगती है कि उनकी बेटी नैना बच्चों को पढ़ाती है तो वो बड़े हैरान होते हैं। नैना तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन रवि और कोमल नैना से ये बात पूछते हैं, पर वो बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई आखिर कहाँ से की। कोमल नैना के पीछे ही पड़ जाती है और नैना को सब सच बताना पड़ता है। नैना की बात सुनकर रवि और कोमल दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ने के लिए आधी रात में भूतों के स्कूल में पढ़ती थी, ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस लड़के पर सारे पैसे लगा दिए, इसने हमारी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। रवि और कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है। नैना उसके बाद कभी उस भूतिया स्कूल में दोबारा नहीं जाती, पर वहाँ की टीचरों को हमेशा दिल से धन्यवाद करती है